राम राम जी सभी को। और देखो ऐसे बेटा बेटी भी होते हैं। ये लड़का इस गाय के पीछे पीछे ढूंढ रहा था, इसने पता लगाया कि इसके सींग में कीड़े पड़े हुए हैं, तो ये इसके लिए दवाई लेकर आया है और खाना खुना अभी खिलाने लग रहा है और एम्बुलेंस को फोन किया है इसको। है हाँ हो, देखिए भाई आराम से। नाम क्या है बेटा? अनुभव। सेक्टर 11 में रहते हो? अच्छा जी मैं ठीक। और कई दिन से ये इसको ऐसे सुबह से ढूंढ रहा था, तो दवाई दू लेकर आया है और अब इसको पूरी दवाई दी है। दलिया है, कुछ ब्रेड ब्रेड है, कुछ वेजिटेबल है जो ये गाय खाती है। शहर में तो यही सब कुछ होता है। और एम्बुलेंस को भी फोन किया है, तो भैया इस बेटे को बहुत बहुत साधुवाद है, आशीर्वाद है, ऐसे होने चाहिए गौ के भगत। तो देखो नौजवान पीढ़ी में ये आ रही है हमारी चेतना गौ के प्रति, तो हमारे अब सनातन भाई बहन जागन लग रहे हैं नौजवान ही। और अब हिंदू राष्ट्र होने से कोई नहीं रोक सकता भाई, नहीं तो ऐसे निकल जाते थे, गौ पड़ी पड़ी कर आती थी। बेटे को बहुत बहुत आशीर्वाद है भाई। राम राम जी सभी को। और ये एक लड़का दिख रहा होगा हमारे कैमरे में, दिन तो कैमरे खराब हैं। और ये देखो मैं ऐसे देख कर और ऐसे गई बाहर छज्जे में, देखा मैं का पता नहीं क्या कर रहा है ये, और गौ माता खड़ी है। तो पता लगा भाई कि लड़का कई घंटे से इस गौ माता को ढूंढ रहा है। इसने इसको देख लिया था कि इसके एक साइड में, गर्दन की साइड में कीड़े पड़े हुए हैं, घाव है, और गौ माता बहुत ही परेशान है। तो ये दवाई लेकर आया है और दवाई इसने चून चान में दी है, आटा लेकर आया अपने घर से, दलिया लेकर आया और कुछ सब्जियां जो गौ माता खाती हैं तो उसमें इसने दवाई दी है। और अब एम्बुलेंस को फोन कर रहा है, तो इसको एम्बुलेंस हॉस्पिटल भेजने की तैयारी में है लड़का। तो भाई देखो ऐसे ऐसे गौ माता बैठ गई है आराम से, और फिर ये लड़का कुछ और खाने के लिए लेके आया है और अपने दोस्त को या पड़ोसी को लेके आया है किसी को, और एम्बुलेंस को फ़ोन कर रखा है इसने। गौ माता का आराम लग गया है तो बैठी है।